नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो मैंसुरेशन का रोम्बस यानी क्वाली लेटरल का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार प्रश्न है इस वजह से एस एस सी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसमें थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है बाकी कुछ नहीं था तो इस वजह से मैंने समझा कि ये क्वेश्चन आपको करवाना ही चाहिए ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है और सॉल्व कैसे करेंगे कहा गया एरिया ऑफ य रोम्बस इज सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एक सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो सात सौ बीस सेंटीमीटर स्क्वायर है इफ़ द साइड ऑफ द रोम्बस इज अ प्राइम नंबर फाइंड द पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस कहा गया कि अगर जो सम चतुर्भुज की भुजा है वो अविभाज्य संख्या है तो आपसे कहा गया कि रोम्बस का यानी कि मतलब सम चतुर्भुज का पॉसिबल पेरीमीटर यानी कि संभावित क्षेत्रफल क्या होगा जो पॉसिबल हो सकता है ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं बावन सौ एक सौ चौंसठ और एक सौ चौबीस तो आप अगर मैं बात कहूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है तो आप ये कहेंगे कि सर सौ नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम साइड को ए मानेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा फोर और फोर बराबर अगर सौ होता है तो ए बराबर कितना मिलेगा पच्चीस जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिया गया है कि जो आपकी साइड है वो क्या है प्राइम नंबर है पच्चीस प्राइम नंबर नहीं है यानी सौ तो नहीं हो सकता ठीक है सौ तो नहीं हो सकता तो ऑप्शन से अगर तुक्के भी मारने थे तो अब एक ऑप्शन आप इलेमिनेट कर गए अब इन तीनों में से तुक्के मार सकते थे लेकिन करेंगे कैसे ये जानते हैं देखिएगा कहा गया एरिया ऑफ ए रोम्बस इज सेवन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैं मानू कि इस रोम्बस के डायगनल्स जो हैं वो डी वन और डी टू है तो इसकी एरिया क्या होगी हाफ डी वन डी टूट ये होती है एरिया रोमबस के लिए जिसके डायग्नल डी वन और डी टू हो ये इजुक्ल टू दिया गया सेवन ट्वेंटी यानी हमारा यहाँ से डी वन डी टू इजल टू आ गया सात सौ बीस गुड़े दो यानी कि चौदह सो चालीस चौदह सो चालीस अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा फिर बेसिक पे ले जा रहा हूँ आपको पता होगा कि अगर किसी रोम्बस की साइड ए हो और उसके डायग्नल्स डी वन और डी टू हों तो आपको एक फार्मूला और पता होगा कि डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर कितना होता है फोर ए स्क्वायर अगर मैं फोर को इस साइड में तो मैं इधर कह सकता हूँ डी डी वन का स्क्वायर बाई फोर प्लस डी टू का स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैं क्या कह सकता हूँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैंने चार से दोनों पक्षों में भाग दे दिया ठीक है या हम कह सकते हैं कि डी वन बाई डी टू डी वन स्क्वायर बाई फोर को क्या लिख सकते हैं डी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का होल स्क्वायर इजूक्वल टू ए स्क्वायर यानी आपको पता चल रहा है कि सर डी वन बाई टू का जो स्क्वायर होगा डी टू बाई uh, मतलब टू का जो स्क्वायर होगा और वो उसका सम जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा यानी हम कह सकते हैं डी वन बाई टू डी टू बाई टू और ए ट्रिपलेट बनाएंगे ट्रिपलेट अगर आपको पता है कि तीन चार और पाँच ट्रिपलेट बनाते हैं तो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर हो जाता है ठीक है इसी प्रकार से डी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर है तो डी वन डी टू और ए ट्रिपलेट बनाते हैं ठीक है इतना समझ आ गया अब यहाँ पे क्या काम करिए D1 वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू की वैल्यू निकालने के लिए इधर दो से भाग दे दीजिए इधर दो से यानी ओवरऑल चार से भाग हुआ तो इधर चार से भाग होगा यानी आपका ये आ जाएगा तीन सौ साठ यानी डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू इज इक्वल टू तीन सौ साठ अब मैं थोड़ा सा आपको फिर बेसिक की तरफ ले जा रहा हूँ कि सर डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू इज इक्वल टू तीन सौ साठ तो हम तीन सौ साठ के दो ऐसे फैक्टर करिए जो ट्रिपलेट भी बनाते हो तो आप कहेंगे तीन सौ साठ के अगर दो ऐसे फैक्ट्री करें तो चार और नब्बे सॉरी नौ और चालीस मिलेंगे नौ और चालीस मिलेंगे जो कि आपको पता है नौ चालीस और इकतालीस एक ट्रिपलेट बनाते हैं यानी तीन सौ साठ के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो ट्रिपलेट में भी आते हों और उनका प्रोडक्ट तीन सौ साठ है क्योंकि तीन सौ साठ के फैक्टर यानी हमने कहा तीन सौ साठ के दो फैक्टर नौ और चालीस ऐसे हैं जो ट्रिपलेट बनाते हैं किसके साथ इकतालीस के साथ, साथ। यानी हमारा डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू इज इक्वल टू नाइन बाई फोर्टी हो गया यानी हम कह सकते हैं कि डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू अगर नाइन इंटू फोर्टी हो गया तो डी वन बाई टू अगर नौ हो गया डी टू बाई टू फोर्टी हो गया तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया नौ का स्क्वायर प्लस चालीस का स्क्वायर आपको पता है नौ का स्क्वायर प्लस चालीस का स्क्वायर कितना होता है इकतालीस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर इकतालीस का स्क्वायर यानी ए बराबर कितना हो गया इकतालीस अब अगर ए बराबर इकतालीस हो गया तो आपसे आपको पता चल गई साइड कितनी है इकतालीस अगर साइड इकतालीस है तो आप कहेंगे पेरीमीटर कितना हो जाएगा चार इंटू साइड यानी चार गुड़े इकतालीस यानी एक सौ चौंसठ सेंटीमीटर तो आपका आंसर कितना आ गया एक सौ चौंसठ सेंटीमीटर यानी आपको बस थोड़ा सा समझना था आपको यह पता था कि डी वन स्क्वायर बाई टू सॉरी डी वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस डी टू बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये पता था ना आपको पता है कि तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर होता है तो हम कहते हैं तीन चार और पाँच ट्रिपलेट है इसी प्रकार से डी वन डी टू और ए ट्रिपलेट हो गए अब हमें एक चीज़ और पता थी कि डी वन बाई टू इन टू डी टू बाई टू इज इक्वल टू तीन सौ साठ यानी हम इसको तीन सौ साठ के दो ऐसे फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे जो ट्रिपलेट में भी आते हो तो हम कहेंगे सर नौ चालीस ले लेते हैं यानी डी वन बाई टू को अगर हम नौ ले लें डी टू बाई टू को अगर चालीस ले लें तो आपको पता है ए अपने आप इकतालीस मिल जाएगा अब ए इकतालीस मिल गया अब आप कह देंगे अगर साइड इकतालीस है तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया इकतालीस गुड़े चार यानी एक सौ चौंसठ सेंटीमीटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एस एस सी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं और एस एस सी के लिए आपको यहाँ पे मिल गई होगी लिंक वो जाके देख लीजिएगा वीडियोज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे टू से लेकर एटीन तक टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है और अगर आपको और टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो उसकी भी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी आप जाके देख सकते हैं बा बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर यूर आल कम एग्जाम्स बने मात्रम जय हिंद और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब करना भूल